Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ACE competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Pericla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. So as we all know कि हम लोगों ने KPPSC Provincial Planning Services का economics का course जो है वो हम लोगों ने start किया हुआ था, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो है स्टार्ट किया था. नो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास डिफरेंट हेडर्स थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला पहला हेडर जो किया था उसका नाम था डिटरमिनेशन ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई. ओके, इस डिटरमिनेशन ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई में हम लोगों ने देखा था कि जी किस तरह से हम लोगों की जो मार्केट है वो किस तरीके से जो है वो एक्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिमांड एंड इट्स सप्लाई जो है उसके ऊपर किस तरीके से एक्ट करती है. फिर हम लोगों ने डिमांड का भी लॉ पढ़ा था, सप्लाई का भी लॉ पढ़ा था. डिमांड के ऊपर भी हम लोगों ने उसका कर्व्स ड्रा की थी डिफरेंट किस्म की, और सप्लाई की भी हम लोगों ने कर्व्स ड्रा की थी. ठीक, डिमांड और सप्लाई की कर्व्स ड्रा करने के बाद हम लोगों ने इन दोनों को मिलाया था, और इसमें हम लोगों ने देखा था इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हमारे पास कैसे आता है. ओके, सो ये जो पोर्शन है, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो इसका मैं लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में, बल्कि डिस्क्रिप्शन में नहीं, मैं कार्ड में डाल देता हूँ कि जी वो कैसे होगा. और चले मैं डिस्क्रिप्शन में भी साथ में डाल देता हूँ कि जी डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक होगा वो भी मैं वहाँ पे डाल देता हूँ. सो डिमांड, सप्लाई और इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये तीनों लिंक्स जो थे, ये तीनों वीडियोज़ जो हैं इसके ऊपर, ये तीनों इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर हमारे पास अलग अलग वीडियोज़ मौजूद हैं. हमारा इसमें जो दूसरा टॉपिक था वो था हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर का. ठीक है जी, कंज्यूमर बिहेवियर कैसे होता है, हम लोगों ने उसमें कार्डिनल अप्रोच पढ़ा था, हम लोगों ने उसमें ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ा था. ठीक है जी, ये दोनों अप्रोचेस हम लोगों ने उसमें पढ़े थे. कार्डिनल में हमारे पास दो लॉज थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. इसी तरीके से ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो है हमारे पास इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस. ओके, इसका भी आपको ऊपर कार्ड में भी लिंक मिल जाएगा, और आपको किधर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा नीचे. उसके बाद हम लोगों के पास अगला जो क्वेश्चन था, या अगला जो हमारा हेडर था जिसको हम लोगों ने किया था, वो हमारे पास प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने देखा था कि वो कौन सा पॉइंट आता है कि जिसमें हमारा जो प्रोड्यूसर है वो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना चाहता. ओके, उसकी कोई अर्ज ही नहीं बाकी रहती, और वो क्या करता है, वो उधर स्टॉप हो जाता है, वो उधर रुक जाता है कि बस जो मेरा ये वाला प्रॉफिट है ये क्या है, मेरे पास मैक्सिमम है. इसमें हम लोगों ने MCMR अप्रोच की थी, जिसका लिंक और उसके अलावा TRTC अप्रोच भी हम लोगों ने की थी, जिसका लिंक, जिन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको मिल जाएंगे. इसके अलावा हमारे पास अभी अगला हम लोग जो हेडर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कि जी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारे पास वो क्या है. ओके, सो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ने लगे हैं. देखिए, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बेसिक फ़र्क है ना, कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में चीज़ों को बिल्कुल, मतलब बहुत ही माइक्रो लेवल पे आप जाके उनको देखते हैं. ओके, कि जी आपकी डिमांड क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी सप्लाई क्या है, इन दोनों का प्राइस के साथ क्या रिलेशन है, फिर उसके बाद आपका कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है. ओके, इसके अलावा जो आपका प्रोड्यूसर है वो कब प्रोड्यूस करेगा और कब वो नहीं करेगा प्रोड्यूस. सो आप बिल्कुल नैरो डाइन होके माइक्रो लेवल पर जो है उसको देखते हैं. मैक्रो लेवल पे एज इट्स नेम सजेस्ट, हम लोग क्या करते हैं, हम
मतलब मैक्रो लेवल पे जाके, एक बड़े लेवल पे जाके जो है हम लोग चीज़ों को देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम हो गया हमारे पास, ये हमारे पास एक नेशनल इनकम, ये हमारे पास एक चीज़ होगी। इसी तरीके से हमारे पास नेशनल इनकम अकाउंटिंग होगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जीडीपी क्या होता है आपका, इसमें हमारे पास जीएनपी क्या होता है, इसमें आपके पास जीएनआई क्या होता है, इन सब में आपस में डिफरेंस क्या होता है आपके पास, ये चीज़ें जो है हम लोग देखेंगे। ठीक इसी तरीके से हम लोग इसमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट जो है वो भी हम लोग इधर देखेंगे कि जी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट जो है उसको भी हम लोग देखेंगे। सेम हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इन्फ्लेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है, हम सब इससे अवेयर हैं। हमेशा हम जब भी न्यूज़ खोलते हैं तो कभी शाज़िब खानज़ादा साहब जो हैं वो लगे होते हैं कि ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। कभी आपके पास वो एक है राना, उनका सरनेम है, इकोनॉमिस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट हैं, इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, वो शाहजेब राना है या शहबाज राना, शहबाज राना है, वो अक्सर औकात इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हैं। इक्विली हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। फिर इन्फ्लेशन में ही हम लोग एक और टॉपिक होगा हमारे पास ग्लोबल इन्फ्लेशन का, ठीक है जी। ग्लोबल इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, ठीक है जी, कैसे हुई है, ठीक है, इसके अलावा उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, ये हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को जो है हम लोग देखेंगे कि जी ग्लोबल इकोनॉमिक्स में हमारे पास किस तरीके से, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो ग्लोबली इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है वो क्यों हुई है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे बेसिक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज या बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। जितना भी अभी हम लोगों ने किया है ये बेसिकली पीछे हम लोग जितना भी ये अभी तक हम लोगों ने जो बात की है ये बेसिकली सारी की सारी रीकैप थी, ठीक है। ड्रामा आप देखते हैं आपको पता चलता है, हाँ भाई पिछले रीकैप, पिछले एपिसोड में गुजरी हुई गुज़श्ता एपिसोड्स जो होती हैं उसमें क्या क्या हो चुका है उसका एक रीकैप होता है। इसी तरीके से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है जी, कमिंग अप नेक्स्ट में हमारे पास ये चीज़ें होंगी जो कि हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। सो बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो है ये हम लोग अगली वीडियो से स्टार्ट कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।